हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनिम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स। जो आपके प्रॉब्लम आई है, जो शीट मैंने आपको दी थी नोट्स में, उसमें जो आपको प्रॉब्लम थी वो आपने पूछी है, तो वो प्रॉब्लम हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इथेनॉल वाटर एजियोट्रॉप बॉइल्स एट। अब देखिए, ये क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल लेक्चर में पूछा गया है। अब क्योंकि रट्टालॉजी वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल आउट ऑफ द लीग था, इसलिए मैंने आपको थ्योरी में नहीं पढ़ाया था। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि एजियोट्रॉप होता क्या है, एजियोट्रॉप हम किसको कहते हैं? तो हमने पढ़ रखा है राउल्ट लॉ में कि जब आप क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट में या एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर वेपर प्रेशर में क्या होता है, चेंज होता है। तो जब आप दो मिलाते हैं तो वहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है, तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है। अब यहाँ पर एजियोट्रॉप का कंसेप्ट क्या है? एजियोट्रॉप का कंसेप्ट ये है कि जब आप, होता क्या है कि जब आप दो लिक्विड को मिक्स करते हैं, तो वहाँ पर एक लिक्विड पहले बॉयल होगा, दूसरा लिक्विड बाद में बॉयल होगा, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। लेकिन एजियोट्रॉप में क्या होता है कि यहाँ पर जो दो लिक्विड आपने मिक्स किए हैं वो एक साथ बॉयल होते हैं। तो एजियोट्रॉप का मतलब ये है कि जब आप दो लिक्विड मिक्स करो तो दोनों एक साथ बॉयल होंगे, तो उसको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे। समझ में आ रही बात? नॉर्मली क्या करते हैं, आप दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो वहां पर दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, जिससे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं कि भाई एक लिक्विड को पहले आपने वेपराइज कर दिया, फिर उसके बाद दूसरे लिक्विड को वेपराइज करा। लेकिन अगर दोनों लिक्विड एक साथ बॉयल हो रहे हैं तो वहां पर हम उसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यहाँ पर किसका दे रखा है, इथेनॉल और वाटर का। तो ये कह रहा है कि एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर है इथेनॉल वाटर का, वो कौन से टेम्परेचर पे बॉयल होगा? इसका आंसर दे रखा है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्योंकि बिल्कुल ही रट्टालॉजी वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं किया था। आप चाहें तो बुक में देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दे रखे हैं और सबके बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं। अब सबका तो आप याद कर नहीं सकते, और ऐसे देखिए ऐसे क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे नहीं जाने चाहिए, रट्टालॉजी वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको डाउट था, मैंने आपको बता दिया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। अब ये चीज तो आपको रटनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हेनरी लॉ पे पूछा गया है। हेनरी लॉ होता क्या है? हेनरी लॉ क्या होता है कि एम इक्वल्स टू के पी। के क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। पी क्या होता है? प्रेशर होता है। एम क्या होता है? मास ऑफ गैस डिजोल्व पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब यूनिट मास जो है सॉल्वेंट का या वॉल्यूम है, उसमें आपने कितना मास डिजोल्व कर रखा है। और यहां पर आपने कह रखा है पी इक्वल्स टू के एच एक्स। तो यहां पर पी प्रेशर है, के एच हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट है, और एक्स मोल फ्रैक्शन है। तो ये वाला फॉर्मूला हम कब काम में लेते हैं? जब आप केवल एक ही गैस को डिजोल्व करने की बात कर रहे हो। और ये वाला कब काम में लेते हैं? जब मिक्सचर ऑफ गैस है, जब आप उसको डिजोल्व कर रहे हो तो कंपैरिजन चलता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टेम्परेचर दे रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर दे रहेगा 1 एटमोसफेयर, ठीक है। किसका? नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन गैस का प्रेशर कितना है, 1 एटमोसफेयर। आगे दे रखा वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डिजोल्व इन 1 लीटर वाटर। ये कह रहा है कि भाई 1 एटमोसफेयर प्रेशर पर नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन कितनी डिजोल्व हो रही है वाटर में, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डिजोल्व इन 1 लीटर वाटर कितना दे रखा है, 1.65 × 10⁻³ समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर इसने नाइट्रोजन का वॉल्यूम दे रखा है कि कितना वॉल्यूम डिजोल्व हुआ, प्रेशर कितना दे रखा है 1 एटमोसफियर। अब आगे क्या कह रहा है, नाइट्रोजन, उसी नाइट्रोजन की बात हो रही है, अब ये कह रहा है प्रेशर 5 एटमोसफियर कर दिया। कितना कर दिया? 5 एटमोसफियर। तो अब जो नाइट्रोजन है वो कितनी डिजोल्व होगी? तो देखिए यहाँ पर पहली अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हेनरी लॉ मास के सेंस में दे रखा है कि जो गैस आप डिजोल्व कर रहे हो वो कितने ग्राम डिजोल्व होगी। अब यहाँ पर इसने क्या करा, मास की जगह पहली बार तो वॉल्यूम कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, लगभग रिलेशन एक ही है। सिंपल सा रिलेशन क्या है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब आप सॉल्युबिलिटी को मास में बता रहे हो, वॉल्यूम बता रहे हो, एक बार को मान लेते सेम है, चलो ठीक है। अब मैंने क्या करा कि भाई वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू पी। अब यहाँ पर अगर मास होता तो एम इज प्रोपोर्शनल टू पी करता, मैंने कह दिया वी इज प्रोपोर्शनल टू पी, एक बार कर लेते हैं। तो V इज प्रोपोर्शनल टू P के हिसाब से रिलेशन क्या आएगा, V2/V1 इक्वल टू P2/P1। तो यहाँ पर V2 क्या हो जाएगा, P2/P1 × V1। तो मैंने इसी के हिसाब से सॉल्व कर दिया। तो P2/P1 कितना है, P2 कितना है, 5 एटमोसफेयर, और P1 कितना है, 1 एटमोसफेयर। तो ये हो गया 5/1 × V1 कितना है, 1.65 × 10⁻³ ml। इसको मैंने सॉल्व करा तो ये आ रहा आंसर 8.25 × 10⁻³। अब RPSC ने क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर रखा है। उसका रीजन ये भी है कि एक तो 8.25 कोई ऑप्शन में ही नहीं है, 8.15 जरूर है। दूसरी बात ये कि एक ये वॉल्यूम भी दे रखा है इसने मास की जगह, तो कुछ भी रीजन हो सकता है। अगर मान लीजिए एक बार हम वॉल्यूम मान के सॉल्व करें तो ये आंसर आएगा। अब क्योंकि चारों ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं था, तो आरपीसी ने क्या करा है,
क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। तो मैंने आप जो की दे रखी है उसमें स्टार लगा रखा है, मतलब डिलीटेड क्वेश्चन है आरपीसी की तरफ से, फिर भी मैंने आपको दे दिया था समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, हैंडी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्यूशन ए जो है वो हमने बनाया, कैसे बनाया, 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml वाटर, 1.8 ग्राम ग्लूकोज जो है वो डिजोल्व करा है किसमें, 100 ml वाटर में। उसके बाद ये करा सॉल्यूशन बी कैसे बनाया, 1.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 200 ml वाटर, 1.2 ग्राम एसिटिक एसिड को डिजोल्व करा है जल में, कितना है 200 ml जल। तो ये पूछ रहा है कि इसके ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन क्या होगा, दोनों सॉल्यूशन के जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉल्यूशन ए का और बी का उसका रिलेशन क्या होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो होता है पाई इक्वल्स टू सी आर टी, तो आर जो है गैस कांस्टेंट है या सॉल्यूशन का कांस्टेंट आप कह सकते हो एस आर टी, और टी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट कंडीशन है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हमें चेक करनी है, तो कंसंट्रेशन जब हम निकालेंगे सॉल्यूशन ए की, तो देखिए सॉल्यूशन ए की कंसंट्रेशन क्या है, मोलैरिटी अगर हम निकालें तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट वॉल्यूम का मतलब पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कह दो सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट इन ग्राम पर मॉलिकुलर वेट, तो ये हो गया 1.8 डिवाइडेड बाय 180, और लीटर में निकालना है आपको वॉल्यूम, तो 100 ml को लीटर में जब आप कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो 1000 ऊपर आ जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा, समझ में आ रही बात। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/10 इक्वल टू 0.1 m। इसके बाद सेकंड सॉल्यूशन की बात करें तो सेकंड सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड में भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट इन ग्राम है 1.2 और मॉलिकुलर वेट है 60। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना, एसिटिक एसिड का मॉलिकुलर वेट वाटर में 60 होता है और बेंजीन में 120 होता है, क्यों, क्योंकि जो एसिटिक एसिड है बेंजीन में डाइमर बना लेता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपके एसिटिक एसिड का मॉलिकुलर वेट वाटर में 60 माना जाएगा और अगर बेंजीन है क्योंकि बेंजीन में डाइमर बना रहा है तो 120 माना जाएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप ध्यान रख लेना, क्योंकि हमने वॉन्ट ऑफ फैक्टर पढ़ा था तो वहाँ पर डिसोसिएशन एसोसिएशन की कंडीशन आती है। अब क्योंकि वाटर है तो यहाँ पर एसिटिक एसिड वाटर में सिंपल शो करता है, कोई एसोसिएशन नहीं हो रहा है, समझ में आ रही बात। तो ये हो गया 60 इंटू 200 ml हो गया और ये 1000 हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/10 और 0.1 m। इसका मतलब दोनों सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो जब दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम आएगी तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन है वो भी क्या आएगा, ये आएगा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या आएगा सेम, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर किससे रिलेटेड है, पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी। तो अगर किसी की कंसंट्रेशन ज़्यादा आती तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता, अब क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर आ रही है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा, बराबर आएगा। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर में पूछा गया था 2020 वाले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भाई आपके फ्रीजिंग पॉइंट का जो कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जिसको आप कहते हो, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, वो दे रखा है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल, किसके लिए, वाटर के लिए दे रखा है। अब ये कह रहा है कि सुक्रोज के 342 ग्राम 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम वाटर, या इसको आप 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम भी कह सकते हो, 1 किलोग्राम वाटर में डिजॉल्व है। तो ये कह रहा है कि भाई जो टेम्परेचर है या फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, डेल टी एफ निकाल लो पहले तो आप, तो डेल टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, के एफ क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, एम क्या हो गया मोलैलिटी, मोललता, मोलरता नहीं है मोललता है। अब आपने क्या करा, के एफ की वैल्यू रखी 1.86 और मोललता कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाले, 342 ग्राम जो दे रखा है वेट इन ग्राम अपन मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट कितना दे रखा है 342 होता है सुक्रोज का, ये आपको याद रखना है, और किलोग्राम कितना है 1 किलोग्राम है तो 1 रख दिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आया क्या 1.86। अब यहाँ पर जो काम की बात है, अगर आपने मेरे थ्योरी वीडियो देखे हो तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर जब बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है तो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात होती है तो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये माइनस आता है, ये इसने लिखा नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि अगर आप माइनस ध्यान नहीं रखेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, अब आपने निकाल लिया कि भाई ये आ गया डेल टी एफ, मतलब इतना टेम्परेचर में डिफरेंस आया, तो अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री में अगर आपने ये ऐड कर दिया तो हो जाएगा 1.86, लेकिन आपने पढ़ा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ नहीं रहा है घट रहा है। तो यहाँ पर जो के एफ होता है एक्चुअल में अगर हम देखें तो माइनस के साइन के साथ होता है, लेकिन कई बार वो नहीं देता, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये माइनस के साथ आप करोगे तो आंसर आएगा -186 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आपने प्लस कर दिया तो फिर वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ रहा, वो तो एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, जो कि गलत है।
तो ये आपके इतनी कमी आई, कितनी कमी आई, -186, इसको आप माइनस मानिए। अब क्योंकि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है, तो जो कमी आई है उतना ही उसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो है आपके क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में दे रखा है 3.42% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक विथ। आइसोटोनिक का मतलब ये होता है कि दो सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो वो आइसोटोनिक कहलाते हैं। तो सबसे पहले आप दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कब सेम होगा, जब उनकी कंसंट्रेशन सेम होगी, या अगर मैं कहूँ इफेक्टिव कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है तो वहाँ पर आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर कंसिडर करके उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकालनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं इसकी कंसंट्रेशन निकाल लेता हूँ। तो इसकी कंसंट्रेशन जब मैं निकालूंगा तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला दे रखा है कि अगर आपको परसेंटेज में दे रखा है सॉल्यूशन, तो अगर आपको उसकी मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज एक्स, मतलब जितनी भी परसेंटेज दे रही है सॉल्यूशन की उसको आप परसेंटेज एक्स कर लो, 10 से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, इससे उसकी मोलैरिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मोलैरिटी। तो यहाँ पर परसेंटेज एक्स कितना है, 3.42। तो ये 3.42 मैंने लिख दिया इनटू 10 और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए केन शुगर जो है सुक्रोज, उसका मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है। कितना होता है? 342। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 1/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/10। और 1/10 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1। कितना हो जाएगा? 0.1। तो यहाँ पर आपके जो स्टार्टिंग में सॉल्यूशन दे रखा है उसकी कंसंट्रेशन आ रही है 0.1 m। तो अब आपको चेक करना है कि जो ऑप्शन है उसमें 0.1 m इफेक्टिव कंसंट्रेशन किसकी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0.1 m ग्लूकोज। देखिए बाकी जो क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन में टाइपिंग में गलती हो गई थी, इस वजह से क्या है आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई 0.1 m ग्लूकोज है जो है उसके साथ में 0.1 m यूरिया भी लिखा हुआ था, तो उसमें मैंने करेक्शन करवा दिया, वो आप करेक्शन कर लेना। तो आंसर हो जाएगा 0.1 m ग्लूकोज। यूरिया की कंसंट्रेशन जो ऑप्शन में एक्चुअल में दे रखी है वो है 0.01 m यूरिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.01 m ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है 5% यूरिया सॉल्यूशन है, इसका आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। अब देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको केवल कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। तो ये कह रहा है 5% यूरिया सॉल्यूशन है, उसका आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। अब यहाँ पर बस काम की बात ये है कि पाई का फॉर्मूला क्या है, पाई कॉस टू CRT, ये टेम्परेचर दे रखा है, तो पाई कॉस टू CRT। अब सी जो है डायरेक्ट दे नहीं रखा, मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। तो मोलैरिटी क्या है, परसेंटेज इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। तो परसेंटेज कितनी है, 5 × 10 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। यूरिया का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 60। हालांकि उसने दे रखा है, आपको याद होना चाहिए। देखिए तीन चार है, यूरिया का 60 होता है, उसके बाद ग्लूकोज का 180 होता है, सुक्रोज का 140 कितना होता है, 342 होता है। ये आप याद करने, आपको ये 60 हो गया इंटू आर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आर की जो यूनिट है ना, तो आपको जूल में लेनी है ना केल्विन में लेनी है, लीटर एटमॉस्फेयर वाली यूनिट लेनी है, उसकी मैंने आपको वैल्यू लिखवा रखी है। तो ये आपके हो जाएगा 0.082 इंटू टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 293 मैंने रख दिया। अब इसको आपको केवल सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, 20.04 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 49 डिग्री सेंटीग्रेड इज 268 mmHg। सो अब ये कह रहा है कि भाई एक प्योर, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 88 और क्वेश्चन नंबर 89 जो है मैं आपको पहले सॉल्व करवा चुका हूँ, और ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार बोली है, वापस से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आप इसलिए पूछते हैं क्योंकि आपको वो आए नहीं। अब वो आए नहीं उसका कारण क्या है, क्योंकि आपने वीडियो नहीं देखा। अगर आप वीडियो देखते प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले, तो वो आपको आ जाते। इसका मतलब ये है कि अगर आप बिना वीडियो देख के एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम में जाने से पहले आपको सारे वीडियो देखने, ठीक है। चलिए फिर भी मैं करवा देता हूँ, आज मेरा मूड सही है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 49 डिग्री सेंटीग्रेड कितना दे रखा है, 268 mmHg। अब 268 mmHg दे रखा है प्योर बेंजीन का। अब ये कह रहा है सॉल्यूशन का जो है, अब उसमें हमने क्या करा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद जो वेपर प्रेशर हो गया वो हो गया 134। कितना हो गया, 134। अब ये पूछ रहा है कि भाई 134 हो गया, तो ये कह रहा है कि कितने मोल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया आपने, किसमें, पर मोल ऑफ बेंजीन। तो मैं क्या करता हूँ, बेंजीन के एक मोल मान लेता हूँ, बेंजीन का जो है एक मोल है, तो अब उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के कितने मोल मिलाया आपने, स्मॉल एन पूछ रहा है इसने, क्या पूछा, स्मॉल एन। तो वो हम कैसे सॉल्व करें, तो देखिए इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ आपके दो बार आया था टॉपिक में, तो जो बाद वाला वेपर प्रेशर के साथ राउल्ट लॉ था वो है। तो राउल्ट लॉ का फॉर्मूला दे रहेगा PS=P(n)(n)N, मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है।
तो यहां पर मैंने क्या करा, पीएसपी कैपिटल एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब आपको केवल स्मॉल एन नहीं पता, बाकी सब पता है, क्योंकि पर मोल पूछा है तो आप बेंजीन को एक मोल मान लीजिए। तो अब मैंने क्या करा, इसको मैंने फॉर्मूले को क्या करा, पीएस अपन पी कर दिया, कैपिटल एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन कर दिया। अब पीएस जो है सॉल्यूशन का कितना दे रखा है, 134 मैंने लिख दिया, प्योर का कितना दे रखा है, 268 मैंने लिख दिया। अब कैपिटल एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये मैंने ऐसा छोड़ दिया इसको। अब इसकी जो वैल्यू है, इसको आप सॉल्व करोगे 1/2 आएगा। अब आपने कैपिटल एन की वैल्यू 1 रख दी तो अब बच गया स्मॉल एन, तो ये ओवरऑल 1/2 आ रहा है। इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। सीधा सा मतलब ये है कि जब आप आधे मोल मिला देंगे, सॉल्यूट के बराबर कर देंगे, तो उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि जो आपके रिलेटिव लोवरिंग है वो आपके मोल फ्रैक्शन किसके, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये आप फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिना प्रैक्टिस के आपको फॉर्मूला कैसे यूज़ करना पता नहीं चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको वीडियो में करा रखा है, फटाफट से शॉर्ट में बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई वेट जो दे रखा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, वो दे रखा है 30 ग्राम, और इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो फॉर्मूला दे रखा है एम्पिरिकल, वो है CH2O। समझ में आई बात, एम्पिरिकल फॉर्मूले का मतलब होता है सिंपल रेशियो जो होता है, मतलब जो भी फॉर्मूला है उसको आप सिंपल रेशियो से निकाल सकते हैं, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। अब ये कह रहा है इस डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, ये कह रहा है 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है, 100 ग्राम का 1000 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है, मतलब 1 किलोग्राम वाटर है। अब ये कह रहा है कि जो TF है, TF का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है, वो कितना है। अब देखिए ये मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन होगा तो माइनस में आएगा, और जो KF की वैल्यू वो माइनस में होती है, हालांकि वो माइनस नहीं देता, ये आपको ध्यान रखना है, वरना क्या करोगे प्लस माइनस में गलती करोगे। इसके बाद KF दे रखा है, अब KF की वैल्यू इसने माइनस में नहीं दे रखी, यही तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर KF की वैल्यू माइनस में नहीं दे रखी, लेकिन आपको मान के चलना है कि ये माइनस में, ठीक है, आप अपनी तरफ से माइनस कर लेना। अब ये कह रहा है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, तो अब आप सोचोगे क्वेश्चन क्या है, मैं तो समझ में नहीं आया। समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें पता नहीं चला कि पूछना क्या चाह रहा है, एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहा है। एक्चुअल में वो पूछना चाह रहा है मॉलिकुलर वेट, सीधी सी बात है, उसने घुमा के पूछ लिया, मॉलिकुलर फॉर्मूला की जगह वो मॉलिकुलर वेट पूछना चाह रहा है। अब अगर आपसे मैं पूछता कि भाई मॉलिकुलर वेट बताओ, तो आप फिर भी कर लेते, कैसे कर लेते, डेल टी एफ इक्वल्स टू KF इंटू एम। डेल टी एफ का क्या होता है, KF इंटू एम, एम होता है मोलैलिटी, तो डेल टी एफ की वैल्यू इसने दे रखी है TF। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, TF और डेल टी एफ, अब आपके मेन बात क्या है कि जो TF है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, और डेल टी एफ है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखा जाए तो दोनों की वैल्यू बराबर आती है, कारण क्या है कि जो मेन फ्रीजिंग पॉइंट है, एक्चुअल जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो 0 डिग्री है। तो यहाँ पर डेल टी एफ को चाहे टी एफ को, दोनों की वैल्यू सेम आती है, लेकिन जब मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ तो वहाँ टी बी और डेल टी बी सेम नहीं आता। क्यों? क्योंकि टी बी जो है एक्चुअल में वो आपके होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल टी बी होता है वो आपके चेंज होता है, तो वहाँ पर आपको 100 में ऐड करना पड़ता है। ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो डेल टी एफ इक्वल्स टू KF इंटू एम। अब KF इंटू एम, अब एम क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या, वेट इन ग्राम पर मॉलिकुलर वेट, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट मैंने लिख दिया W किलोग्राम में। अब मैंने क्या करा, इसको क्या करा, मुझे चाहिए क्या, मॉलिकुलर वेट चाहिए, मैंने मॉलिकुलर वेट इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ले आया, तो क्या बचा, KF इंटू W अपॉन डेल टी एफ इंटू W। ये सॉल्यूट का वेट है, ये सॉल्वेंट का है, इसको आपने क्या करा, सॉल्व करा, ये आपने लिखा 1.86। अब आप चाहो तो दोनों को माइनस में लिख दो, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1.86 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 0.93, और W क्या है किलोग्राम में, 1 किलोग्राम। इसको सॉल्व करा, मैंने सॉल्व करा तो कितना आ गया, ये आ गया 60। कहने का मतलब है मॉलिकुलर वेट 60 आ गया। अब मॉलिकुलर वेट 60 है तो उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, ये जो आपके एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है इसका जब आप निकालोगे वेट, इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो एम्पिरिकल वेट निकालोगे, तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 और 2 14, 14 और ऑक्सीजन का 16, 30 हो गए। तो इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट 30 आ रहा है, मतलब आपको मॉलिकुलर वेट कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, तो आपको इसको डबल करना है। डबल करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C2H4O आ जाएगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भाई आपके, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको कहा था कि आप बुक में देखोगे थ्योरेटिकल आपको नहीं मिलेगा, तो फॉर्मूला क्या है, डेल टी एफ अपॉन डेल टी बी इक्वल टू KF अपॉन KB, 4 में से 3 देगा, 1 पूछ लेगा। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको करवा रखा है, क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, पता नहीं आप करते क्या हो, ना तो नोट्स पढ़ते हो ना वीडियो देखते हो, कोई बात नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप, मैं आपको क्वेश्चन पूछने के लिए मना कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट लगाओ, ठीक है, मैं तो आपको बता दूंगा, दोबारा बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन करवा रखे हैं वो भी बता रहा हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाओ, भाई आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि हमसे सॉल्व हो जाए, तब उसके बाद आप पूछो तो और मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, 4 में से 3 आपको दे रखे हैं, आपको एक चाहिए डेल टी एफ, आपको चाहिए तो आपने बाकी 3 रख दिए, वैल्यू रखी, उसको सॉल्व कर दिया। अब मेन बात यह है कि जो आपको चाहिए लास्ट में वो आपके जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, डेल टी एफ पूछा है, तो डेल टी एफ का मतलब क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में आता है हमेशा। अब ये क्या करेगा, प्लस भी देगा माइनस भी देगा, तो हमेशा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में रखना है, जो ऑप्शन प्लस में हो तो वैसे ही काट दो, तो आगे तो ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे। तो ये जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस में आंसर आएगा,
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसको, जब आप वैल्यू रख के सॉल्व, अब देखिए न्यूमेरिकल में वैल्यू भी बहुत ईजी है, सिंपल कट रही है, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा -0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्यूशन ए मतलब जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो क्या है, उसमें जो सॉल्यूशन बनाया गया वो कैसे बनाया गया, 8.4 ग्राम पर लीटर यूरिया से, मतलब पर लीटर कितना ग्राम यूरिया मिलाया गया है, 8.4 ग्राम, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन जो है वो किससे बनाया गया है, ऑर्गेनिक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से, और वो कैसा है, 5% सॉल्यूशन कैसा है, 5%। अब ये कह रहा है कि ये दोनों आइसोटोनिक है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि एक सॉल्यूशन तो यूरिया का है जो कि क्या दे रखा है, 8.4 ग्राम पर लीटर, मतलब यूरिया कितने ग्राम पर लीटर है, 8.4 ग्राम, और यूरिया का मॉलिकुलर वेट ना दे तो आपको पता होना चाहिए कि यूरिया का मॉलिकुलर वेट 60 होता है। इसके बाद ये कह रहा है दूसरा जो सॉल्यूशन है वो ऑर्गेनिक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से बना है जो कि 5% है। अब ये दोनों सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है, तो अब आपको करना क्या, आइसोटोनिक का मतलब दोनों की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, तो आप क्या करो इसकी कंसंट्रेशन निकाल लो और इसकी कंसंट्रेशन निकाल लो, दोनों की सेम होनी चाहिए। अब इसकी कंसंट्रेशन तो आप निकाल सकते हो लेकिन इसकी नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि आपको मॉलिकुलर वेट पता नहीं है। तो मैंने दोनों को फॉर्मूले को एक साथ इक्वल करके लिख दिया, कैसे लिखा कि मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंटेज इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, ये मैंने इसके लिए लिख दिया। और इसके लिए मोलैरिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो पर लीटर इसने पहले लिख रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट इन ग्राम अपन मॉलिकुलर वेट, तो वेट इन ग्राम ये हो गया 8.4 अपन मॉलिकुलर वेट, और क्योंकि पर लीटर है तो 1 आ जाएगा, तो ये मैंने इक्वल टू कर दिया। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मॉलिकुलर वेट, मैंने मॉलिकुलर वेट से एक साइड छोड़ दिया, एक साइड मॉलिकुलर वेट छोड़ा, बाकी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर आ गया 5 × 10 डिवाइडेड बाई 8.4 और ये 60 ऊपर चला गया, इसको आप सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा आपके, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नाइट्रोजन के मोल दे रखे हैं, ऑक्सीजन के मोल दे रखे हैं और हीलियम के मोल दे रखे हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि जो टोटल प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेयर, तो ये कह रहा है नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो खास बात है वो ये है कि क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर में दे रखा है तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में आएगा, लेकिन उसने ऑप्शन दे रखे हैं mm of Hg, तो आपको ध्यान ये रखना है कि एक एटमॉस्फेयर 760 mm of Hg के बराबर होता है। अगर ये रिलेशन आपको पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर आप कैसे निकालेंगे नाइट्रोजन का, जब आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो टोटल प्रेशर कितना है 1, मोल फ्रैक्शन जो है वो कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना है उसके मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे, नाइट्रोजन का निकालना है नाइट्रोजन के मोल ऊपर आ गया 0.3 और टोटल मोल कितना है 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5 ये आ गया, तो ये टोटल मोल हो गए। इसको जब आप सॉल्व करोगे 0.6 आ जाएगा एटमॉस्फेयर। अब अगर एटमॉस्फेयर में ऑप्शन होता तो 0.6 आंसर आता, लेकिन एटमॉस्फेयर में ऑप्शन नहीं है, किसमें है, mm of Hg में, तो मैंने इसको क्या करा 760 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा 456, आंसर क्या आ जाएगा 456। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहेगा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब देखिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन अगर जा रहा है मॉलिक्यूल तो वो डिफ्यूजन कहलाता है, और अगर लोअर से हायर जा रहा है कौन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो यहां पर आप इसका आंसर जो है डिफ्यूजन कर लेना, क्या कर लेना, डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए वेट दे रखा है 18 ग्राम ग्लूकोज का, ये हो गया सॉल्यूट, सॉल्वेंट जो है वो 1 किलोग्राम दे रखा वाटर, उसके दे रखे केबी की वैल्यू, किसकी वैल्यू दे रखी केबी की। अब ये कह रहा है डेल टीबी क्या होगा, अब ये देखिए एक्चुअली उसने पूछा क्या है, केबी पूछा है, सॉरी टीबी पूछा है, टीबी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। तो देखिए अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पूछता है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम वैल्यू आती है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट जो ओरिजिनल है वो 0 होता है, लेकिन जब अगर वो, और वो भी कब, जब डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है, लेकिन जब वो बॉइलिंग पॉइंट पूछता है तो वहां डिफरेंस होता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा है या केवल बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। तो यहां पर क्या है कि W दे रखा है 18 ग्राम ग्लूकोज का, कैपिटल W मतलब वाटर का वेट दे रखा है 1 किलोग्राम और KB की वैल्यू दे रखी है, तो आपसे पूछ रहा है TB, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, लेकिन डायरेक्ट आप बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकाल सकते, आप क्या निकाल रहे हैं डेल टीबी। डेल टीबी क्या है, KB इंटू एम, एम क्या है मोलैलिटी, आपने क्या करा KB की वैल्यू रखी और मोलैलिटी के लिए क्या करा वेट इन ग्राम अपॉन मोल, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वेटिंग ग्राम और मॉलिकुलर वेट, वेटिंग ग्राम 18, मॉलिकुलर वेट ग्लूकोज का कितना होता है 180 और वाटर 1 किलोग्राम दे रखा है तो 1 लिख दिया, इसको सॉल्व करा डेल्टी भी आ गया। डेल्टी भी मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट निकालना तो क्या करो, जो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है उसमें ये ऐड कर दो। अब डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा होता तो डिग्री सेंटीग्रेड में ऐड करते, अब दे रखा है केल्विन में तो 273.1
सॉरी 373.15 जो केल्विन है वो आपके प्योर वाटर का होता है बॉइलिंग पॉइंट भाई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 273.15 जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए है, तो आपके अगर वो 273.15 ऐड कर दो 100 में, 373.15 जो है वो प्योर वाटर का है, उसमें कितना ऐड करना है, इतना ऐड करना है, जब आप ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है या केवल बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, दोनों में फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मॉलिकुलर वेट जो है वो है 50, किसका, सॉल्यूट का, और सॉल्यूट का वेट कितना है 10 ग्राम, किसमें है वाटर में, वाटर का वॉल्यूम दे रखा है 200 ml, डेंसिटी दे रखी है 1.05, मोलैलिटी पूछी है। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि वाटर की जो डेंसिटी होती है प्योर वाटर की वो 1 होती है, क्या होती है 1। अब यहां पर आप चाहो तो प्योर वाटर की डेंसिटी निकाल सकते हो, कैसे, डेंसिटी निकालने के बाद आपको एक्चुअली में इसका वेट चाहिए, तो अगर आपने इसकी डेंसिटी 1 मान ली तो डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर आपने डेंसिटी 1 मान ली तो मास क्या हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और डेंसिटी 1 है तो वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा मास, तो ये आपको पहले से पता है। तो यहां पर आप क्या करोगे, मोलैलिटी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू क्या है सॉल्वेंट का वेट। अब यहां पर मैंने क्या करा, डायरेक्ट ले लिया, डायरेक्ट कैसे ले लिया, वेट दे रहेगा 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट दे रहेगा 50 ग्राम, और फिर मैंने क्या करा, जो वेट है किलोग्राम में, अब यहां पर मैंने 200 ml को 200 ग्राम मान लिया क्योंकि वाटर है, अगर कोई दूसरा होता तो नहीं मान सकता था, तो मैंने 200 ग्राम मान लिया, अपॉन 1000 आ गया किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, इसको सॉल्व करा तो 1 आंसर आ गया। अब अगर मान लीजिए मुझे ये 200 ग्राम डायरेक्ट ना लेके निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, तो वहां पर आंसर आता है कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पर डेंसिटी जो दे रखी है, मैं मास अपॉन वॉल्यूम लिख देता हूं, मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.05, और यहां पर अगर मैं कहूं मास मुझे पता नहीं है मान लीजिए, तो मैंने कहा मास कैपिटल एम हो गया और वॉल्यूम जो है वो कितना है, वॉल्यूम दे रखा है 200 ml, तो ये मैंने लिख दिया 200, तो ये 200 लिख दिया। अब आपको चाहिए क्या, कैपिटल एम निकालना है, तो कैपिटल एम जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 1.05 × 200, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके, तो 1.05 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 210 ग्राम, इसका मतलब जो टोटल सॉल्यूशन है उसका वेट है 210 ग्राम, 210 ग्राम में से 10 ग्राम सॉल्यूट का हो गया, तो सॉल्यूट का जब आप माइनस करोगे तो बचा कितना 200 ग्राम। तो यहां पर जो डेंसिटी का रोल है वो ये था कि आपको वेट निकालना था सॉल्वेंट का। अब मैंने डायरेक्ट डेंसिटी 1 मान के मान लिया कि भाई डेंसिटी 1 है, तो मैंने 200 ml को 200 ग्राम मान लिया, नहीं तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ता। अगर वाटर की जगह कुछ और दे रखा होता तो फिर आपको पहले क्या करना पड़ता कि वहां पर डेंसिटी से रिलेशन निकाल के आपको वेट निकालना पड़ता, किसका, सॉल्वेंट का। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट का आपके वेट नहीं दे रखा, क्या दे रखा, वॉल्यूम दे रखा है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके जो सॉल्यूशन की जितनी भी आपने प्रॉब्लम पूछी थी वो मैंने आपको सॉल्व करवा दी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।